कुछ सालों पहले एक मूवी रिलीज हुई और बहुत हिट भी हुई, जिसका नाम था उड़ी। उस पिक्चर को देखने वाले हर इंसान की आंखें एक सीन पर नम जरूर हुई, जब एक शहीद अफसर की बेटी उन्हें सल्यूट करके विदाई देती है और पिता की रेजिमेंट का वॉर क्राय बोलती है। दिस सीन वॉज टेकन फ्रॉम द रियल लाइफ स्टोरी ऑफ अलका राय। नई दिल्ली, बरार स्क्वायर क्रेमेटोरियम ग्राउंड, फरवरी की वो सर्द सुबह। आज एक शहीद की विदाई है, शहीद कर्नल मुनींद्रनाथ राय की बेटी अलका, जो सिर्फ 11 साल की थी। उसने रोते हुए लेकिन फिर भी बहादुरी के साथ अपने पिता को सल्यूट किया और उन्हें अंतिम विदाई दी, और साथ ही में पिता की रेजिमेंट 9 गोरखा राइफल्स का वॉर क्राय बोला, हो के होय ना। आई विल ट्रांसलेट इट फॉर यू। वॉज ही ब्रेव और नॉट, क्या वो बहादुर थे कि नहीं। और ये वॉर क्राय सुनते ही वहां मौजूद हर इंसान ने एक आवाज में जवाब दिया, हो, यस ही वॉज, हां वो बहादुर थे। टूडेज शॉर्ट टेल्स इज डेडिकेटेड टू कर्नल मुनींद्रनाथ राय, कमांडिंग ऑफिसर, 42 राष्ट्रीय राइफल्स, युद्ध सेवा मेडल, शौर्य चक्र। जय हिंद। आई एम कैप्टन याशिका हटवाल त्यागी, द फर्स्ट लेडी ऑफिसर फ्रॉम द लॉजिस्टिक्स विंग ऑफ इंडियन आर्मी टू बी पार्ट ऑफ बैटल जोन इन ऑपरेशन विजय, पॉपुलरली नोन एज द बैटल ऑफ कारगिल। And welcome to Shaurya Tales. It is a series of awe-inspiring stories, timeless traditions, and trivia from Indian Armed Forces. तो आइए आज की Shaurya Tales शुरू करते हैं। 26 जनवरी 2015 का वो दिन गाजीपुर उत्तर प्रदेश के एक साधारण से घर में बहुत खुशियां लेकर आया। स्कूल प्रिंसिपल श्री राय का ये घर साधारण तो था, लेकिन हर मायने में असाधारण था। आज उनके सबसे छोटे बेटे को घाटी में मिलिटेंट्स का बहादुरी से मुकाबला करने के लिए युद्ध सेवा मेडल मिलने की घोषणा हुई थी। श्री राय के 3 बेटे थे। पहला बेटा गोरखा रेजिमेंट में कर्नल डीएन राय, दूसरा बेटा सीआरपीएफ में कमांडेंट, जो कुछ सालों पहले गैलेंट्री अवार्ड से नवाजे गए थे जब उन्होंने जम्मू के रघुनाथ मंदिर को आतंकवादियों से मुक्त कराया था। और आज उनके सबसे छोटे बेटे मुनींद्रनाथ ने उनकी छाती चौड़ी कर दी थी। फोन की घंटी मानो रुक ही नहीं रही थी, घर में बधाई देने वालों का तांता लगा था, लेकिन मुनींद्रनाथ वहां नहीं थे। मुनींद्रनाथ अब भी अपनी ड्यूटी पर तैनात थे, कश्मीर में पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में तराल नाम के एक जगह पर। मुनींद्रनाथ वॉज अ बॉय हु वॉज टॉट वेरी गुड टीचिंग्स बाय हिज फादर, हु ऑलवेज सेड डू योर बेस्ट इन द लाइन ऑफ ह्यूमैनिटी, इंसानियत की राह में हमेशा अपना सबसे बढ़िया प्रदर्शन करना। और मुनींद्र ने इस बात को हमेशा गांठ बांध कर रखी। इट वॉज ऑल्सो द पॉलिसी ऑफ आर्मी इन कश्मीर वैली विच सेज विनिंग द हार्ट्स एंड माइंड्स ऑफ द पीपल। मुनींद्रनाथ वॉज वर्किंग ईच डे टुवर्ड्स मेकिंग द ड्रीम ऑफ अ पीसफुल कश्मीर कम ट्रू। घाटी के लोग उन्हें बहुत प्यार कर रहे थे, बिकॉज He knew the pulse of the people. He would arrange football matches and hockey matches for the youth, school ke bachchon ke liye drawing competitions, aam public ke liye medical camps. Yahan tak ki unhone Taral mein kuch apple growers ko Shimla bhi bheja, jisse ki wo wahan jaakar sep ki kheti karne ke naye tareeke seekh sake aur zyada paisa kama sake. He was actually a man on a mission. 27 जनवरी की सुबह एक मैसेज आया,
द मैसेज वॉज फ्रॉम द इन्फॉर्मेंट्स। घाटी के अंदर बहुत सारे गुप्तचर फैले हैं हमारे। उन्हीं में से एक गुप्तचर ने उनको खबर दी कि तराल नाम के गांव में एक घर के अंदर दो आतंकवादी छुपे हैं, जिसमें से एक हिजबुल मुजाहिदीन का एरिया चीफ है। इमीडिएटली विदाउट लूजिंग एनी टाइम कर्नल M.N. राय लॉन्च्ड अ जॉइंट ऑपरेशन। जॉइंट ऑपरेशन यानी कि एक स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप जिसमें पुलिस, CRPF और फौज की टुकड़ियां पार्टिसिपेट करती हैं। दे इमीडिएटली रीच्ड द लोकेशन। Everyone was ready with their bulletproof jackets and patkas, the rocket launchers and the rifles. हर एक को उसका काम पता था। हर आदमी अपनी ट्रेनिंग के हिसाब से काम कर रहा था। The entire area was cleared off. जब भी ऐसा कोई ऑपरेशन होता है तो आर्मी तुरंत आसपास के सभी घरों को खाली करवा देती है और लोगों को वहां से थोड़ा दूर हटने के लिए हुक्म देती है। Because we do not want any collateral damage. ये मंजूर ही नहीं है कि ऐसे किसी भी ऑपरेशन में इनोसेंट लोगों की जान जाए। सो द एंटायर एरिया वॉज क्लियर्ड। सारे एग्जिट रूट्स को ब्लॉक कर दिया गया और सिक्योरिटी फोर्सेस ने उस घर के चारों तरफ कॉर्डन कर दिया। कर्नल M.N. राय स्टूड देयर प्राउडली, गैलेंटली, विद फुल फोकस, लीडिंग हिज मेन। बट अ मैन ऑफ ह्यूमैनिटी दैट ही वॉज, ही वॉन्टेड टू गिव वन लास्ट चांस ऑफ सरेंडर। उन्होंने एक लाउडस्पीकर लिया, वन हैंड हेल्ड लाउडस्पीकर, एंड इन अ सीन स्ट्रेट आउट ऑफ अ मूवी, मानो कि कोई एक फिल्मी कहानी चल रही है, उन्होंने एक अनाउंसमेंट किया और अंदर बैठे आतंकवादियों को सरेंडर करने का चांस दिया। ही आस्क देम टू सरेंडर। घर के अंदर से कोई आवाज नहीं आई। फरवरी की सर्द सुबह, तराल में बर्फ पड़ी हुई थी। इट वॉज अ डल ग्रे एंड अ वेरी क्वाइट डे। कहीं बर्फ सफेद, कहीं बर्फ भूरी। सिपाही चारों तरफ से घर को घेरे हुए हैं। किसी के कंधे पर रॉकेट लॉन्चर, किसी के हाथ में बंदूक, कोई क्रॉलिंग पोजीशन पर, कोई सिटिंग पोजीशन में, नीलिंग पोजीशन पे। बट एवरीवन वाज फोकस्ड, आज हम इन आतंकवादियों को जिंदा या मुर्दा पकड़ के रहेंगे। जब घर के अंदर से कोई हरकत नहीं हुई, कोई आवाज नहीं आई, कर्नल M.N. राय वॉज रेडी टू गिव द ऑर्डर ऑफ फायर टू हिज मैन। कि तभी एक आवाज, बहुत दूर से एक आवाज आई, साहब रुक जाइए। कर्नल M.N. राय टर्न अराउंड, फिर आवाज आई, साहब रुक जाइए। एक बूढ़ा सा, बूढ़ा कश्मीरी आदमी दौड़ते, गिरते, पड़ते बर्फ से, कभी नीचे गिर रहा है बर्फ पे, कभी ऊपर खड़ा हो रहा है, फिरन पहनी हुई, चेहरे पर झुर्रियां, हल्की दाढ़ी, गहरी आंखें, एक टोपी, और कहता जा रहा है, साहब रुक जाइए, साहब रुक जाइए। एंड ही रीच्ड कर्नल M.N. राय और उसने उनके पैर पकड़ लिए। कर्नल M.N. राय ने उन्हें खड़ा किया और बोला, क्या कहना चाहते हैं? ही सेड, साहब घर के अंदर जो आतंकवादी बैठे हैं उसमें से एक मेरा बेटा है, मुझे एक मौका दीजिए, मैं घर के अंदर जाऊंगा और उसे सरेंडर करने के लिए मना लूंगा। साहब मैं बूढ़ा हूं, मुझसे मेरा बेटा मत छीनिए। कर्नल M.N. राय, अ मैन वर्थ हिज वेट इन गोल्ड, ही रियली वॉन्टेड टू गिव वन चांस टू ह्यूमैनिटी एंड ही सेड ओके। ही गेव परमिशन टू दैट ओल्ड मैन टू गो इनसाइड द हाउस and asked his men to stand by. Everyone was still standing in the ready position. जैसे ही वो बूढ़ा आदमी घर के अंदर गया, एक एक मिनट मानो जैसे एक एक साल की तरह था। घर के अंदर से कोई हरकत नहीं, कोई आवाज नहीं, और फिर यकायक उस घर का दरवाजा खुला, दो आतंकवादी बाहर निकले और उन्होंने कर्नल M.N. राय जो खड़े थे सामने, उनके ऊपर गोलियों की बौछार कर दी।
Colonel M.N. Rai, a trained soldier that he was, he had his weapon in his hand और उन्होंने गोलियां चलाई. वो गोलियां उन militants को लगी और एक झटके में ही चारों तरफ से फायरिंग शुरू हुई. दोनों के दोनों आतंकवादी मारे गए. घर की तलाशी जब ली गई तो पता चला दैट दे वर कैरिंग ह्यूज अमाउंट्स ऑफ आर्म्स एंड एम्यूनिशन. शायद घाटी में किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की ये एक साजिश थी. लेकिन हमने कर्नल एम एन राय को खो दिया. द बुलेट वूंड्स दैट ही रिसीव्ड वर फेटल. एक बहादुर सिपाही हमने खोया. बच्चों का पिता हमने खो दिया. एक प्यार करने वाला पति खो गया. एक छोटा भाई आज विदा हो गया. एक बूढ़े बाप से उसका सबसे सबसे प्यारा छोटा बेटा छिन गया. दिस वॉज अ वेरी वेरी सैड मोमेंट. दिस मेक्स अस थिंक अबाउट ईच सोल्जर हु इज फाइटिंग अगेंस्ट द काउंटर इंसर्जेंसी इन कश्मीर वैली. A man who was living for peace died a violent death. एक ऐसा फौजी ऑफिसर जिसके हाथ में लोडेड वेपन था लेकिन फिर भी वो शांति की कोशिश कर रहा था. This is Indian Army and this is how we want to give the chance for humanity to survive in valley. Because there is hope. युद्ध सेवा मेडल मिलने के अगले ही दिन कर्नल मुनींद्रनाथ राय वीर गति को प्राप्त हुए और इस भारत माता ने उनकी छाती को फिर से एक बार तमगों से भर दिया. He was awarded शौर्य चक्र. The grateful nation salutes you, कर्नल मुनींद्रनाथ राय. Bravo Zulu. Shorty Tales में ऐसे ही बहादुरी की और कहानियां लेकर हम फिर मिलेंगे और बहादुर फौजियों को ऐसे ही याद रखने की कसम खाएंगे. जय हिंद की सेना.